उपस्थित सभी माता बहने बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर मुख्य सेक्टर प्रभारी संजय मंडल जी, प्रदेश सचिव निराला यादव जी, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पासवान जी, राकेश पासवान जी, रजनीश पासवान जी, तमाम जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज देखिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जब आप लोगों को समस्या आई है, ये समस्या का मूल कारण क्या है? बिहार के प्रत्येक जिला में, चाहे वो नालंदा हो, नवादा हो, गया हो, सभी जिला में जो दलित समाज के लोग जिस जमीन पर अपना घर बना करके रह रहे हैं, वहां से उनको हटाया जा रहा है, बात है ना, वहां से उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनका मकान चुरा जा रहा है, तो गरीब दलित आखिर जाए तो कहां जाए? तो दलितों की जब तक सत्ता नहीं आएगा, दलितों का पावर नहीं आएगा, कोई दलितों को देखने वाला नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी लगातार बहुजन समाज के लिए काम कर रही है, दलितों के लिए काम कर रही है, सभी पिछड़े दलित गरीबों के लिए काम कर रही है। तो आप लोगों को यह सोचना होगा कि हम कैसे सत्ता में आए, कैसे हम एकजुट होकर के अपने जो वोट का अधिकार है उसको सही जगह पर दें, ताकि सत्ता प्राप्त कर दीजिएगा। सत्ता प्राप्त कर लेंगे उस दिन आपसे कोई प्रशासन, कोई पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पीडीओ, सीओ आपका जमीन नहीं छीनेगा। तो यह समस्या सिर्फ नालंदा का नहीं है, हर जिला में हम देख रहे हैं कि लगातार दलितों के जमीन को छीना जा रहा है। इसके लिए हम लोग जितना भी संभव हो पाएगा आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार से यह हम पूछना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने यह वादा किया था कि दलितों को 3 डिसमिल जमीन देंगे, अगर 5 डिसमिल जमीन अगर दलितों को मिल गया रहता तो यहाँ कड़ाके की ठंड में दलित क्यों धरना देते और उनके मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है? तो ये सवाल आपके जो विधायक है, सांसद है क्षेत्र के, उनके पास भी आप लोग जाकर रखिए, बोलिए, जिसको आप लोग वोट देते हैं, कोई भी आपका मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, इसको बोलिए कि हम लोगों का मतलब कहाँ जाए, हम लोग क्या करें ठंड में, जो हम लोगों का घर तोड़ने का आदेश आ गया है। तो आप लोगों को यह समझना होगा, मजबूती से एकजुट होकर के लड़ना होगा, तभी जीत हासिल हो सकता है। ये बहुत कम है, हम चाहेंगे कि रजनीश जी, सत्येंद्र जी कम से कम 5,000-10,000 दलितों का काफिला लेकर के चलिएगा, तभी तो संभव है, ऐसे संभव नहीं होगा इतना आदमी से धरना देने में। तो इसके लिए प्रयास करिए और हम लोग एक दिन डेट रख करके पटना कलेक्ट्रेट पर जाएं और डीएम महोदय से बात करें, कमिश्नर से बात करें, और हम लोगों का जमीन जो तो अभी केशवपुर में भी जमीन तोड़ने का आदेश आया है, वहां पर भी हम भी जाकर के रोक लाए, बुलडोजर और पूरा पुलिस प्रशासन आया हुआ था, पर हम यहाँ पहुंचे, अभी तक 1.5 महीना हो गया, 2 महीना रोके हुए अभी तक रुका हुआ। तो इसके लिए एक झूठ होकर के लड़ने की आवश्यकता है, जब तक आप लोग नहीं लड़िएगा और सही पार्टी सही नेता को नहीं चुनिएगा, तब तक हम सबों का भला नहीं हो सकता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की ओर आप लोग झुकाव करके उनसे जुड़िए, उनको वोट दीजिए और मजबूत करिए पार्टी को और धन मायावती जी को, तभी हम लोगों का जीत संभव है। और हम लोग तो लगातार दलितों के लिए काम कर ही रहे हैं, तो दलित के लिए हमेशा लड़ते ही रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, और आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो भी जमीन दिलवाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, यहाँ रजनीश पासवान, सत्येंद्र जी है, राकेश जी है, ये सब हमेशा नालंदा जिला में कार्यक्रम करते रहते हैं, इनको तहे दिल से शुक्रिया। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम।